हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और हम बचपन से सुनते आए हैं कि ब्रेन अपनी क्यूरियोसिटी के दम पर इवॉल्व हुआ है। मगर क्या आपको पता है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डैनियल विलिंगहम के अनुसार हमारी क्यूरियोसिटी हमें सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहती है जिसमें जीतने के चांसेस हाई हो। तो क्या यही वजह है कि बच्चों को स्कूल जाना नहीं पसंद, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में हारने से डर लगता है? वेल, बच्चे तो फिर भी हमारे फ्यूचर है, क्यों ना आज के इश्यूज की बात की जाए, जैसे कि साइंटिस्टों की सैलरी। क्या आपको बताया कि एक साइंटिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी महज 8,000 रुपए प्रति महीना होती है? अगर नहीं पता था तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, जिसमें मैं आपको उनकी स्टार्टिंग सैलरी के साथ साथ उनकी टॉप सैलरी के बारे में भी रिवील करने वाला हूँ। पर उससे पहले एक और एक सवाल। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार एटॉमिक पार्टिकल्स पूरे यूनिवर्स में फैले अलग अलग जुड़वा पार्टिकल से एंटेंगल्ड होते हैं, जिसके कारण अगर आप एक पार्टिकल को उंगली करोगे तो दूसरे को भी गुदगुदी होगी। समझ रहे हो ना मेरा मतलब? तो क्या हम इन पार्टिकल्स की मदद से टेलीपोर्टेशन भी कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह लाइट के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट गायब हो सकते हैं, जैसे किसी एनीवेयर डोर में हमने कदम रख लिया? वेल, जानने के लिए देखते रहिए हमारे आज के इस ब्रांड न्यू आस्क जीएसएफ के एपिसोड को और शुरू करते हैं हमारे सवालों का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डोंट स्टूडेंट्स लाइक स्कूल्स? Well, इसे समझने के लिए सोचो कि सुबह के 8 बजे हुए हैं, अलार्म बज रहा है, आपके कान फाड़ रहा है और आज आपके स्कूल का पहला दिन है। But wait, आपके शकल पर यूं 12 क्यों बजे हुए हैं? Shouldn't you be excited कि आज कुछ नया सीखने मिलेगा, मजा आएगा? और ये हर समर वेकेशन के बाद नखरे क्यों कि स्कूल नहीं जाना? I mean, छोड़ो, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ये सारा किया धरा आपके ब्रेन का है जिसे मेहनत करना नहीं पसंद। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डैनियल विलिंगहम का कहना है, जो कई दशकों से स्कूल स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी का अध्ययन करते आ रहे हैं और साथ ही अमेरिकन स्कूल्स को सही दिशा में गाइड करके भी। डैनियल ने अपनी किताब व्हाई डोंट स्टूडेंट्स लाइक स्कूल में बच्चों के स्कूल से संबंधित इस रवैये के पीछे दो मेजर वजहें बताई है। नंबर 1, ब्रेन को सोचना नहीं पसंद, और नंबर 2, ह्यूमन क्यूरियोसिटी नेचुरल तो है मगर नाजुक भी। अब आई नो, ये सुनकर पहले ही आपका दिमाग बोल रहा होगा, कुछ भी, हम इंसान ही तो है जो कॉग्निटिवली सोच सकते हैं और नई नई चीजें इजाद कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ह्यूमन सोचना नहीं पसंद करता? एंड सच कहूं तो मैं भी शुरू में कुछ ऐसे ही डिनायल में चला गया था, बट डैनियल का एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल लॉजिकल है। डैनियल का कहना है कि हमारे ब्रेन की सोच को सोच से असलियत तक सोचने के लिए जो सोच लगती है ना, अगर उस बारे में ध्यान से सोचो तो वो असल में हमारी सोच से भी स्लो है। क्या हुआ, कंफ्यूज्ड? यही प्रॉब्लम है हमारे ब्रेन की, उसे कॉम्प्लेक्स चीजें समझना या उसे सॉल्व करना नहीं पसंद। वो जितना हो सके जुगाड़ ढूंढता है, लाइक गूगल, जिसमें सारी जानकारी रेडीमेड मिल जाती है। और रही बात क्यूरियोसिटी की, तो डैनियल के अनुसार हम अपनी क्यूरियोसिटी सिर्फ उन्हीं टास्क में यूज करते हैं जिनमें हम सबकॉन्शियसली ये जानते हैं कि सक्सीड हो जाएंगे। अगर पहले ही पता हो कि हम ये नहीं कर सकते तो हम अपनी क्यूरियोसिटी को सप्रेस या डाइवर्ट कर देंगे। नो वंडर हमारा दिमाग लर्निंग और प्लेजर दोनों ही केसेस में डोपामाइन रिलीज करता है, ताकि हम सक्सीड होने के बाद भी सैटिस्फाइड और प्राउड फील कर सके। सो बेसिकली इस पूरे संवाद का तात्पर्य ये है कि बच्चों के स्कूल अवॉइड करने के दो मेजर वजह हैं, सोचने की काबिलियत को शौच में फ्लश करना और क्यूरियोसिटी की कमजोरी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें एज सच प्रैक्टिकल नॉलेज का कुछ नहीं सिखाया जाता, हमें बस इतना सिखाया जाता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को तेजी से रटना कैसे है और हमारी अंदरूनी क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा को मार्क्स के प्रेशर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट इंग्लिश में वो कहावत है ना, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, और ठीक उसी तरह आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को वापस से एक बार जगा सकते हो और अपने ब्रेन को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए ट्रेन कर सकते हो, और नतीजन अपने सभी दोस्तों से प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले नॉलेज में स्मार्टर बन सकते हो। इस चीज को बुक 0 to 1 में पीटर थील ने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे स्मार्ट इन्वेंशंस एक्चुअली में बनते हैं जो दुनिया को बदल देते हैं, कैसे एक नया कॉन्सेप्ट इजाद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले घोड़ा गाड़ियां चलती थी और एक फास्ट और स्लो घोड़ा गाड़ी में बस सिर्फ घोड़ों का फर्क होता था, बट दूसरी तरफ एक नया कॉन्सेप्ट आया, हेनरी फोर्ड जो लाए, उन्होंने सीधा इंजन सी बना दिए जिनकी इन्वेंशन एक लीग ऊपर की ही थी।
इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव इन्वेंशंस कैसे हुए, ये आप इस बुक में रीड कर सकते हो, जो आपके दिमाग को भी काफी खोल देगा और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एप्लीकेशन के बारे में सिखाएगा। या फिर आप सेल्फ मेड पीपल जैसे इलॉन मस्क या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफीज भी पढ़ सकते हो कि उनके लाइफ एक्सपीरियंस में कैसे वो सिर्फ स्कूल पर ही डिपेंडेंट नहीं थे अपने एजुकेशन के लिए, बल्कि वो सेल्फ एजुकेशन में बिलीव करते थे और इसीलिए उन्होंने शुरू किससे किया और अंत में उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें चांद तक पहुंचा दी। उन्होंने ये सब ज्ञान किताबें पढ़ के बटोरा और अपनी नसीब की किताब खुद लिखी अपने हाथों से। और अगर आप क्यूरियोसिटी और लर्निंग के पीछे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जानना चाहते हो तो मैं एक और एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, व्हाई डोंट स्टूडेंट्स लाइक स्कूल बाय डैनियल विलिंगहम। सो फ्रेंड्स, सेल्फ लर्निंग इज की टू प्रैक्टिकल नॉलेज और इसीलिए अगर आप ये सारे बुक्स खरीदने जाओगे इंडिविजुअली तो आपको काफी महंगा पड़ेगा, बट ये सारी बुक्स कुकू एफएम में अवेलेबल है, जो आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं है, आप उसे सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में, वो भी इंडियन लैंग्वेज में। अब क्योंकि गेट सेल्फ लाइक मिशन पर है प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने का और सेल्फ लर्निंग को एंकरेज करने का, इसीलिए हमने कुकू एफएम ऐप के साथ टीम अप किया है आपको इस ऐप का एक साल का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ रेट में देने के लिए, यानी कि आपको सिर्फ 199 रुपीस पर ईयर में ये सभी बुक्स रीड करने मिलेगी अगर आप फर्स्ट 500 रजिस्ट्रेशन में से हो। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना है या फिर मेरा कोड GETSET50 यूज करो और आपको तुरंत 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 199 रुपीस में आप ये सारी बुक्स एक साल के लिए रीड कर सकते हो, जिस पैसे में एक मीडियम साइज पिज्जा भी नहीं आता। अगर आप लेट भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको 20% ऑफ वाला भी कूपन दे रहा हूं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो हरी नाउ, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड कुकू एफएम ऐप नाउ एंड एंजॉय लर्निंग एंड ग्रोइंग फॉर अ ईयर। अब फ्रेंड्स चलिए आते हैं और हमारे सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अस योन। नाउ आई नो 50% लोगों को ये सवाल सुनते ही शायद उबासी आ गई होगी, पर क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर हम यौन ही क्यों करते हैं? आई मीन उसका हमारी बॉडी का कुछ यूज भी होता है या नहीं? अगर नहीं होता तो एवोल्यूशन के दौरान ही वो धीरे धीरे गायब हो जाता ना। अब इस पर आप शायद ये बोलोगे कि हम थकते हैं इसीलिए यौन करते हैं, बट देन अगेन सवाल अभी भी धरा का धरा है कि क्यों, ऊपर से उन इंस्टेंसेस का क्या जब बस हम किसी और की उबासी को देखकर खुद यौन करते हैं। वेल, साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स जो कि एक ग्रीक फिजिशियन थे, उनकी कुछ शुरू की रिसर्चेस के अनुसार जब भी हम बहुत ज्यादा बोर्ड या थके हुए होते हैं तब हम हमेशा की तरह डीपली ब्रीथ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा शरीर जरूरत लायक ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाता और इसीलिए जब हम यौन करते हैं तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल मिल जाता है और वेस्ट के रूप में पैदा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। काफी कन्विंसिंग साउंड करता है, राइट? कई सारे मॉडर्न साइंटिस्ट को ऐसा, क्योंकि आज तक इसको कई बार टेस्ट करके देखा गया है लेकिन एज सच कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन सामने नहीं आया है बिटवीन योनिंग एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल। हालांकि एक रिलेशन साइंटिस्टों ने जरूर प्रूव करके दिखाया था बिटवीन योन एंड ब्रेन टेम्परेचर। 2014 में SUNY कॉलेज ऑफ ओनियंटा USA के एक साइकोलॉजिस्ट एंड्रयू गैलप ने अपने कॉलीग्स जॉर्ग मैसन, किम डश और ओमर एल्देकर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने पहले ऑस्ट्रिया की कैपिटल यानी वियना में पैदल चलने वाले लोगों को ठंडी और गर्मी दोनों सीजन्स में ऑब्जर्व किया और फिर सिमिलरली US के डेजर्ट एरिया एरिजोना के लोगों को इस स्टडी में उन्होंने देखा कि वियना जैसी ठंडी जगह में लोग समर में ज्यादा यौन करते हैं और एरिजोना की गर्मी में रहने वाले लोग विंटर में ज्यादा यौन करते हैं, जिससे ये सामने आया कि हमारी बॉडी यौन करती है बिकॉज़ ब्रेन को ना ज्यादा ठंडी पसंद है और ना ही ज्यादा गर्मी, उसे अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है जिसे एंड्रू थर्मल विंडो कहते हैं। ये टेम्परेचर बेसिकली हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स यानी बाहरी हिस्से को उत्तेजित करता है जिससे हमारी स्लीप वेक साइकिल कनेक्टेड होती है। मगर सिर्फ ह्यूमंस ही यौन नहीं करते बल्कि ऐसे कई जानवर हैं जो यौन करते हैं और वो भी अलग अलग रीजंस के लिए। मिसाल के तौर पर कई मैकाओ बंदरों की स्पीशीज में ये पाया गया है कि मेल्स यूजुअली अपने गम्स दिखाकर यौन करते हैं और फीमेल्स मोस्टली मुंह कवर करके, यानी इट्स लाइक ट्रिक, जिसे बाकी मेल्स को बिना झगड़ा किए ही अपने लंबे कैनाइंस दिखाकर डराया जा सकता है। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। खैर, इसे योनिंग का रीजन तो समझ आता है पर उसका कंटेजियस नेचर नहीं भाई लोग,
तो उसकी क्या वजह है? 2011 की एक रिसर्च के अनुसार ये देखा गया कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजीज अपने जान पहचान वाले चिम्स के यौन को ज्यादा मिमिक करते हैं दैन आउटसाइडर्स, जिससे ये हिंट मिलता है कि योनिंग का कंटेजियसनेस एम्पथी से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि ये रिसर्च काफी इंटरेस्टिंग था, बट इस पर और रिसर्च होना जरूरी है और अभी तक इसीलिए हम इसे कंक्लूसिव नहीं कह सकते। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इज टेलीपोर्टेशन पॉसिबल। टेलीपोर्टेशन वो टेक्नोलॉजी है जिसके बिना आजकल के हॉलीवुड साइफाई मूवीज मानो अधूरे हैं। मतलब भाई बस किसी एक छोटे मोटे साइंटिस्ट की बोलने की देर होती है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, और उस रफ कॉन्सेप्ट को मूवीज के लिए उठा लिया जाता है। पर क्या सिर्फ ऐसा बोलकर इसे टाल देना ठीक है? आई मीन वी कैन एटलीस्ट एनालाइज, है ना? यू शुड बी ओपन टू चेंज। तो साल 1993 में ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन आर जोत्सा, इजरायली फिजिसिस्ट ए पेरिस और अमेरिकन फिजिसिस्ट डब्ल्यू के वूटर्स, इन्होंने पहली बार ड्यूअल कम्युनिकेशन मेथड के इस्तेमाल से क्वांटम इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करके दिखाया, जिसके बाद साल 1997 में सैंडू पोपेस्कू और एंटन जेलिंगर ने इस मेथड की मदद से सक्सेसफुली फोटोन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को भी टेलीपोर्ट करके दिखाया। अमेजिंग राइट? लेकिन ये मेथड काम कैसे करता है? Well, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो कंटेनर्स या बॉक्सेस कह लो लिए, बॉक्स ए बॉक्स बी। बॉक्स ए में एक फोटोन को रखा गया ताकि उसे बॉक्स बी में टेलीपोर्ट किया जा सके। इससे पहले कि फोटोन को टेलीपोर्ट किया जाए, फोटोन के सॉलिड स्टेट को वेव स्टेट में चेंज करना जरूरी था, क्योंकि कोई भी पार्टिकल सॉलिड स्टेट में बिना मीडियम के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा सकता, यानी सॉर्ट ऑफ लाइक वाईफाई वर्सेस वायर। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, फोटॉन्स अलग है और ह्यूमन बॉडी अलग है। हम फोटोन से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से बने हुए हैं। तो क्या हमारे टेलीपोर्टेशन का इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन होने वाला है? Well, बिल्कुल नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार इस ब्रह्मांड में ऐसे कई पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फिनिट दूरी के बावजूद भी एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि आप अगर एक के साथ छेड़खानी करो तो दूसरा पार्टिकल भी अफेक्ट होता है, मच लाइक अ फैक्स मशीन, जिसमें आप यहां टाइप करके कुछ भी भेजते हो और वो रिसीवर मशीन के पेपर पर छाप जाता है। इसे क्वांटम एंटैंगलमेंट कहते हैं, जिसमें साइंटिस्ट को बस इतना करना होता है कि पहले एक पार्टिकल ए लेना है, फिर उसे डेस्टिनेशन स्थान के एक पार्टिकल यानी पार्टिकल बी के साथ एंटैंगल यानी कनेक्ट करना होता है, और फिर फाइनली अपने हर एक एटॉमिक पार्टिकल को पार्टिकल ए पर छाप देना है। जैसे जैसे हमारी एटॉमिक इन्फॉर्मेशन पार्टिकल ए पर प्रिंट होती जाएगी, वैसे वैसे यही इन्फॉर्मेशन पार्टिकल बी पर भी प्रिंट होने लगेगी, जिससे आप तैयार हो जाओगे और पार्टिकल बी खुद गायब हो जाएगा। क्योंकि पार्टिकल ए ने जब आपको खुद पर प्रिंट किया, तब उसकी खुद की एंड देयर बाय पार्टिकल बी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही खत्म हो गई, और इसीलिए वो दोनों ही डिसअपीयर हो गए आफ्टर लीविंग यू एट योर डेस्टिनेशन। Well, ये सुनने में सिंपल जरूर लग रहा होगा, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक एंटैंगल पार्टिकल की जोड़ी नहीं चौलबे। जितने पार्टिकल्स हमारे बॉडी में हैं, उतने ही एंटैंगल पार्टिकल्स हमें इस टेलीपोर्टेशन के लिए चाहिए होंगे, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और इसीलिए फिलहाल के लिए बस अपने अगले क्वेश्चन पर टेलीपोर्ट होते हैं। साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है? Well, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं भाई लोग, आई थिंक सबसे पहले तो साइंटिस्ट इस शब्द का मतलब ही क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चला कि ये जो दोस्त के पीछे पीछे साइंस स्ट्रीम लेने वाले चिरकुट होते हैं ना, वो भी अपने आप को 12th के बाद साइंटिस्ट बोल रहे हैं। तो यार देखो और सुनो, साइंटिस्ट यानी बेसिकली वो इंसान होते हैं जो अलग अलग कांड करते हैं ताकि उनसे कुछ सीख मिल सके उन्हें, और फिर उस सीख को आसपास की चीजों पर अप्लाई करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अन्य स्ट्रीम्स की तरह या यूं कहूं तो थोड़ा ज्यादा ही, इसमें सुबह शाम घिसना पड़ता है फॉर एटलीस्ट 20-25 इयर्स स्ट्रेट टिल योर पीएचडी। जी हां, इसमें पीएचडी जरूरी होता है, क्योंकि उसी के बाद आप ऑफिशियली एक साइंटिस्ट कहलाते हो, और इसीलिए इतना ज्ञान बटोरने के बाद आई थिंक ये लॉजिकल है कि आप इस मेहनत का फल कितना बड़ा होता है ये जरूर जानना चाहोगे, राइट? तो गाइस, वैसे तो साइंस के फील्ड में सिंपल मास्टर्स डिग्री हासिल करके भी एक साइंटिस्ट से ज्यादा आप कमा सकते हो, बट टू टॉक अबाउट द एवरेज सैलरी, तो वो साइंटिस्ट के केस में मेजरली डिपेंड करती है ऑन देयर फील्ड ऑफ स्टडी, जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती ही जाती है। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर अराउंड
1 lakh per annum and go up to 3 lakhs per annum. पर ईयर की बात कर रहे हैं, महीने की नहीं, एनम मतलब ईयर। लेकिन यही अगर हम सीनियर साइंटिस्ट की बात करें तो उनकी सैलरी कैन गो अप टू 15 टू 20 लाख पर ईयर। एंड आई रिपीट, ये एवरेज सैलरी है। कुछ लोगों को इससे डबल या ट्रिपल भी मिल सकता है, या कुछ लोगों को इसका आधा या एक तिहाई भी मिल सकता है। बट ज्यादा मिलेगा मोस्टली इन प्राइवेट सेक्टर और कम मिलेगा मोस्टली इन गवर्नमेंट सेक्टर। So, जल्दी से पढ़ाई खत्म करो और साइंटिस्ट के तौर पर मेरे YouTube चैनल पर गेस्ट अपीयरेंस करो प्लीज, ताकि मुझे आपका इंटरव्यू लेके आपसे कुछ सीखने का मौका भी मिले। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला अभी तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लैश साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। फर्स्ट 500 रजिस्ट्रेशन को 50% ऑफ है, यानी 199 रुपीज पर ईयर में आप पूरे साल भर के लिए नॉलेज ग्रहण कर सकते हो। सो हरी अप नाउ। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!